नदीम फ्रॉम मुंबई टैटू, और आज हमारे पास एक सेलिब्रिटी है जो टैटू की है, और वो हमारा इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है, टेनिस प्लेयर है जिनका नाम है विश्वजीत सांगले। तो उनसे वो भाई ने हमारे पास टैटू किए, दो टैटू है उनकी बॉडी पे जो हमने अभी किया है, एक विंग्स का टैटू, एक क्लाउड का टैटू है। तो हम उनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो उनसे पूछते हैं कि मुंबई टैटू स्टूडियो में टैटू करके उनको कैसे लगा। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जहीर बाटीवाला एंड अ सीनियर टैटू आर्टिस्ट ऑफ मुंबई टैटू। और आज हमारे साथ है मिस्टर विश्वजीत, जो इंडिया के लिए टेनिस, लॉन टेनिस खेलते हैं, और जिनसे मोटिवेट हो के मैंने भी टेनिस स्टार्ट किया है, और मेरे बच्चे भी खेल रहे हैं अभी मेरे साथ में। तो हम अब कुछ बात करेंगे विश्वजीत भाई से। तो आपका एक्सपीरियंस मुंबई टैटू में कैसा था? इट्स अमेजिंग, आई मीन द सर्विस एंड लाइक यू नो यू ऑलवेज फेल्ट लाइक द स्मूथ हैंड्स, नो इचिंग एंड लाइक द फ्लो वाज रियली अमेजिंग एंड वी डिड इट इन 3 आवर्स, सो इट्स रियली अमेजिंग एंड टू टैटूज इन 3 आवर्स, इट्स आई नेवर डन दैट, सो या इट्स ग्रेट, वेरी गुड। जैसे कि विश्वजीत भाई को आज हमारा काम अच्छा लगा है, इंशाल्लाह हम आगे इनके लिए और टैटूज भी करेंगे, और कुछ टेनिस के लिए टिप्स भी भाई हमको देंगे। जैसे मैं इनसे मोटिवेट होकर स्टार्ट किया है टेनिस खेलने, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कुछ करें, और हो सके तो इंडिया का नाम हम रोशन करेंगे इसके लिए, जैसे भाई विश्वजीत भाई करते हैं। ठीक है, तो कुछ बताएंगे आप हमको कि हमको किस तरीके से हमारा टेनिस खेलना चाहिए, जैसे मैं खेलता था, कुछ पॉइंट्स आप देंगे, टिप्स टेनिस के बारे में नहीं, बट यू नो जो टेनिस प्लेयर्स या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जो बनता है वो ग्राउंड में कम और बाहर ज़्यादा बनता है। तो जो भी होते हैं स्पोर्ट्स पर्सन, उनके डिसिप्लिन बाहर से ही आता है। हम लोग टेनिस कोर्ट पे या कोई भी ग्राउंड में जाते हैं या जिम में जाते हैं, वो 2 घंटे का काम होता है या 3 घंटे का काम होता है, बाकी कितने घंटे हम लोग उस चीज़ के लिए डेडिकेट करते हैं वो बहुत मैटर करता है। हम लोग खाते कैसे, कितने टाइम किस होते हैं, अपना रूटीन कैसे फॉलो करता है, सो वो सब रिफ्लेक्शन आता है 3 घंटे में। सो मैं बोलता हूँ जिसको भी एथलीट बनना है, दे शुड फॉलो देयर रूटीन्स आउट ऑफ देयर ग्राउंड्स। डिसिप्लिन और रूटीन रूल्स ज़्यादा होने चाहिए, तो हम काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। वेरी गुड। सो गाइस, विश्वजीत सर ने अभी जो बताया हमारे बारे में, ये केवल भाई हैं जो हमारे मुंबई टैटू स्टूडियो के प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। तो इनने पूरा टैटू कंप्लीट किया है, ड्रेसिंग से लेके डिजाइनिंग टैटू पूरा कंप्लीट किया है सर के ऊपर। हाँ सर, एक क्वेश्चन, बहुत सारे टैटू और हमारे टैटू में कुछ फर्क लगा आपको? क्योंकि पहले जो टैटू होता था वो कॉइल मशीन से होता था, और अभी जो टैटू होता है वो पेन मशीन से होता है। तो वो जो कॉइल मशीन आती थी, हम लोग सप्लायर भी, एक्चुअली टैटू इक्विपमेंट सप्लाई का भी काम है हमारा, तो आपको कुछ फर्क लगा वो टैटू और ये टैटू में? स्मूथ था जी, जो पहले हम लोग को जो ड्रिल मिलता था यू नो, हाँ। वो इतना नहीं था। अगर अभी आपको और टैटू करना है तो आप कहां जाओगे? जितने भी चाहने वाले वो भी प्लीज इधर आओ, और सर का नाम लेके आएंगे तो हम स्पेशल डिस्काउंट देंगे उनको। तो उसके लिए सर को मैं थैंक यू बोलूंगा यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, और आगे भी आते रहो और आपके फ्रेंड्स लोगों को भी भेजते रहो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू केवल भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू।